सो स्टूडेंट्स नो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ द लैक ऑपेरॉन ठीक है तो अब हम यहाँ पर क्या डिस्कस करेंगे लैक ऑपेरॉन के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे ठीक है थीके? जो लैक ऑपेरॉन है ठीक है जो लैक ऑप है वो हम लोग समझते हैं राइट तो लैक का मतलब यहाँ पर लैक्टोस है ठीक है लेक का मतलब यहाँ पर लैक्टोस है ओपेरन मतलब मतलब मैंने आपको बताया था ठीक है ओपेरन का मतलब ग्रुप ऑफ जीन्स ओपेरन मीन्स ग्रुप ऑफ जीन्स दैट कंट्रोल एक्सप्रेशन और रेगुलेशन ठीक है तो यहाँ पर जो है ओपेरन में हम लोग दो चीज़ समझेंगे इंड्यूसिबल सिस्टम रिप्रेसिबल सिस्टम इंड्यूसिबल का मतलब क्या हुआ जो चालू करना है चला जो रहा है उसे इंड्यूसिबल कहते हैं और रिप्रेसिबल जो रिप्रेस कर रहा है जो बंद कर रहा है उसको रिप्रेसर कहते हैं ठीक है तो ये चीज़ हम लोग इसमें कॉन्सेप्ट में हम लोग समझेंगे द इलुसीडेशन ऑफ लैक ऑपिरॉन वॉज ऑल्सो ए रिजल्ट ऑफ द क्लोज एसोसिएशन बिटवीन ए जेनेटिसिस्ट फ्रें फ्रेंसिस जैकब एंड बायोकेमिस्ट मोनोड ठीक है तो एक किसने कॉन्सेप्ट दिया लैक ऑपरॉन का जैकब एन मोनोड ने ठीक है जैकब एन मोनोड ने से कॉन्सेप्ट दिया डे व फर्स्ट टू इलेसुडेट ए ट्रांसक्रिप्टिवली रेगुलेटरी सिस्टम और यही जो पहले थे ठीक है जिन्होंने क्या इल्यूसिडेट करा ट्रांसक्रिप्टिवली रेगुलेटेड सिस्टम को ठीक है ना बताया उनके बारे में ठीक है पहले पर्सन थे जिन्होंने इसके बारे में डिटेल में बताया इन लैक ऑपेरॉन द लैक रेफर्स टू लैक्टोज लैक ऑपेरॉन का मतलब जिसमें लैक का मतलब क्या होगा लैक्टोज होगा ए पॉलीसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन हम लोग किस में पढ़ते हैं यू में पढ़ते हैं मोनोसिस्ट्रोनिक किस में पढ़ते हैं यू के अंदर पढ़ते हैं ए पॉलीसिस्टोनिक जीन इज रेगुलेटेड बाई कॉमन प्रोमोटर एंड रेगुलेटरी जीन्स जो पॉलीसिस्टोनिक जीन है वो किससे कंट्रोल वो किससे कंट्रोल होगा कॉमन प्रोमोटर से और रेगुलेटरी जीन्स से कॉमन जी, प्रोमोटर होगा और रेगुलेटरी जीन्स होंगी सच अरेंजमेंट इज वेरी कॉमन इन बैक्टीरिया एंड इज रेफर टू एज ऑपरॉन तो ये अरेंजमेंट काफ़ी कॉमन हमें देखने को मिलेगा और इसको क्या कहते हैं हम लोग ओपेरॉन कहते हैं टू नेम ए फ्यू एग्ज़ाम्पल्स ठीक है कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर इन्होंने लिखे हुए हैं ठीक है कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखे हैं कौन कौन से हैं लैक ओपेरन ट्रिप ओपेरन ठीक है ट्रिप्टोफेन एरेबिनोजेप्टो हिस्टिडीन ओपेरॉन वेलिन ओपेन तो ये हमारे कोर्स में नहीं है हमें सिर्फ लैक ओपेरन के बारे में समझना है ठीक है लैक ऑपेरॉन क्या कॉन्सेप्ट है द लैक ऑपेरॉन कंसिस्ट ऑफ वन रेगुलेटरी जीन तो लैक ऑपेरॉन में क्या होगा यहां पर एक रेगुलेटरी जीन कहते हैं ठीक है रेगुलेटरी जीन होगा आई जीन जिसे कहते हैं हेयर द टर्म आई डज नॉट रेफर टू द इंड्यूसर तो आई यहां पर इंड्यूसर नहीं है आई यहां पर इंड्यूसर नहीं है ठीक है आई क्या है यहाँ पर इंड्यूसर नहीं है रादर इट इज डराइव फ्रॉम द वर्ड ठीक है और रादर इट इज डराइव फ्रॉम द वर्ड इनिविटर एंड थ्री स्ट्रक्चरल जीन ठीक है थ्री तीन स्ट्रक्चरल जीन है यहां पर Z Y A ठीक है तीन स्ट्रक्चरल जीन्स है यहां पर Z Y A द आई जीन कोड्स फॉर रिप्रेसर द आई आइजीन किसको कोड कर रहा है वो रिप्रेसर ऑफ द लेक ऑपरॉन जो आई जीन है वो किसको कोड कर रहा है वो रिप्रेसर को कोड कर रहा है रिप्रेस को कोड कर रहा है है ना रिप्रेस को कोड कर रहा है किसके लेक ऑपरॉन को फिर जो जेड वाई है जीन जेड जीन कोड फॉर बीटा गलेक्टोसाइड ठीक है बीटा गलेक्टोसाइडेज इज इन एंजाइम इन शॉर्ट इट विन एज बी एल विच इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइड्रोलिस ऑफ डाइसेकर वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो डाइसेकर के हाइड्रोलिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है ठीक है डाइसेकर के लिए रिस्पॉन्सिबल है राइट द जेड जीन है वो बीटा गैलेक्टोसाइड है इसको वो कर रहा है कोड कर रहा है और वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो डाइसेक्राइडिक को ठीक है हाइड्रोलिस के लिए, लिए डाइसेक्राइट कौन सा लैक्टोज किस में तोड़ रहा है वो ठीक है किस में कन्वर्ट कर रहा है वो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ये हो गया जेड जो वाला ठीक है जेड हो गया है ना लैक्टोज इंटू इट्स मोनोमरिक यूनिट्स गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज द वाइजीन ठीक है परमिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कोड्स फॉर परमीज

लैक ऑपेरॉन आर रिक्वायर्ड फॉर द मेटाबोलिज्म ऑफ लैक्टोज मतलब ये तीन जीन जो हैं कौन कौन सी जेड वाई ए ठीक है ऑल द थ्री जीन प्रोडक्ट्स इज रिक्वायर्ड ठीक है ऑल द थ्री जीन प्रोडक्ट्स इन लैक ऑपेरॉन आर रिक्वायर्ड फॉर द मेटाबोलिज्म ऑफ लैक्टोज इन मोस्ट ऑपेरों एज वेल द जीन्स प्रजेंट इन द ऑपेरोन आर नीडिड टूगेदर टू फंक्शन इन द सेम और इन रिलेटेड मेटाबोलिक वे ठीक है तो हम लोग बहुत सारे ओपेर में देखते हैं जो तो जीन प्रेजेंट है ऑपेरोन के अंदर उसकी जरूरत पड़ती है टू फंक्शन इन द सेम और रिलेटेड मेटाबॉलिक पाथवे चलो हम इसको डायग्राम को समझते हैं ठीक है अभी आपके क्लियर नहीं हुआ ये हम इसमें डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं ये है वो डायग्राम ठीक है ये वो डायग्राम है यहाँ पर लैक ऑपेरॉन का जो कॉन्सेप्ट है ठीक है लैक ऑपेरॉन का जो जो डायग्राम है ये हम देख रहे हैं यहाँ पर ठीक है लैक ऑपेरॉन का जो डायग्राम इन दी एबसेंस ऑफ इंड्यूसर ठीक है और ये इन दी प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर में तो दो इन्होंने यहां पर डायग्राम दिखा रखे हैं ये ठीक है दो डायग्राम है लैक ऑफ के ठीक है दो डायग्राम है अब इसको देखो ये पूरा जो है ये जीन पूरा दिखा दिया जेड वाई ए दिखा दिया ठीक है जेड वाई ए दिखा दिया थीके? जीन दिखा दिया है ना आई जीन जो है प्रमोटर रीजन भी ऑपरेटर रीजन भी है, सारी चीज यहां पर इन्होंने दिखा रखी है है ना आई इनिबिटरी जीन रेगुलेटरी जीन भी कह रहे हैं ठीक है रेगुलेटरी जीन भी हम जिसे कहते हैं यहां पर ठीक है जो आई जीन जो है रिप्रेसर के लिए ठीक है आई जीन किसो कोड कर रहा है वो रिप्रेसर के लिए कोड कर रहा है वो है ना रिप्रेसर के लिए अब देखो क्या हुआ यहाँ पर इसने एम को बनाया ठीक है ना एम आर एन ए को बनाया एम आर एन ए ने क्या बनाया प्रोटीन को बनाया तो ये रिप्रेसर प्रोटीन है रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर के साथ जुड़ गई ऑपरेटर ने सिग्नल किसको दिया प्रमोटर को दिया प्रोमोटर फिर किसको सिग्नल देता? देता है इनको सिग्नल देता है ना तो रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन तो कहाँ जुड़ी हो ऑपरेटर रीजन के पास जुड़ी एंड प्रिवेंट्स आर एन ए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ऑपरॉन और क्या प्रिवेंट कर लिया उसने आर एन पॉलीमरेज को ट्रांसक्राइब करने से रोक लिया ठीक है आर एन पॉलीमरेज को ट्रांसक्राइब करने से रोक लिया रिप्रेसर जो था किससे बाइंड हुआ वो ऑपरेटर से जुड़ गया बाइंड्स बाइंड शू द ऑपरेटर ठीक है रिप्रेसर ऑपरेटर से जुड़ा रिप्रेसर प्रोटीन और क्या करा उसने आर एन पॉलीमरेज को ट्रांसक्राइब करने से रोक लिया ठीक है आर एन पॉलीमरेज को समझ में आई बात ठीक है तो पहली कंडीशन तो हुई ये कि भी जो रिप्रेसर प्रोटीन है ऑपरेटर से जुड़ी ऑपरेटर ने प्रमोटर को सिग्नल दिया प्रमोटर ने ऑपरन को दिया ठीक है जो होगा इसमें ट्रांसलेशन नहीं हो पाया ठीक है ट्रांसलेशन नहीं हो पाया फिर जो दूसरी कंडीशन है ठीक है जो दूसरी कंडीशन है यहाँ पर रिप्रेसर एम बना ठीक है रिप्रेसर प्रोटीन बना अब उसके साथ अटैच क्या हुआ यहाँ पर ठीक है इंड्यूसर ठीक है तो पहला जो था स्विच ऑफ था अब ये क्या है स्विच ऑन हो जाएगा ठीक है पहला जो था ये स्विच ऑफ हो गया ये स्विच ऑन है इंड्यूसर जुड़ गया इंड्यूसर क्या यहां है यहाँ पर लैक्टोज इंड्यूसर है ठीक है ये इंड्यूसर जुड़ गया अब क्या हुआ ये रिप्रेसर प्रोटीन के फंक्शन को सप्रेस कर दिया इनएक्टिव कर दिया रिप्रेसर को इनएक्टिव को रिप्रेसर कर दिया ठीक है इनएक्टिव को रिप्रेसर कर दिया तो ये क्या हुआ यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर ट्रांसक्रिप्शन जो ये हो गया स्टार्ट हो गया ठीक है ट्रांसक्रिप्शन लैक एम आर एन ने बना ट्रांसलेशन हो गया ये जीन एक्सप्रेस हो गई स्विच ऑफ स्विच ऑन ये स्विच ऑफ है ये स्विच ऑन है क्लियर हो गई ये वाली बात ठीक है बिल्कुल इंपॉर्टेंट डायग्राम है दो कंडीशन यहां पर स्विच ऑफ और स्विच ऑन इंड्यूसर क्या है यहां पर लैक्टोज ठीक है लैक्टोज इंड्यूसर है ठीक है इंड्यूसर जो है लेक ऑपर वन में वो क्या है यहां पर लैक्टोज है है ना तो ये लिखा है यहां पर लैक्टोज इज द सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम बीटा गलेक्टोसाइड एंड इट रेगुलेट स्विच ऑन एंड ऑफ ऑफ द ऑपेर ऑन होगा तो ऑन कर दिया नहीं हुआ ऑफ हो जाएगा क्लियर तो लैक्टोज इज द दब्सिट फॉर द एंजाइम बीटा गलेक्टोसाइड इज एंड इट रेगुलट स्विच ऑन एंड ऑफ ऑफ द ऑपेर ऑन हेंस इट इज टर्मड एज इंड्यूसर ठीक क्या कहते हैं इसको हम लोग इंड्यूसर कहते हैं ठीक है क्या कहते हैं हम इसको इंड्यूसर कहते हैं तो पूछ एक नंबर पर पूछ लिया इंड्यूसर कौन सा है ठीक है लैक्टोज है इन दबेंस प्रेफर्ड कार्बन सोर्स सच एज ग्लूकोज किसकी प्रेजेंस किसकी एबेंस में प्रेफर्ड कार्बन सोर्स जो होगा ग्लूकोज है है ना इफ द लैक्टोज इज प्रोवाइडेड इन द ग्रोथ मीडियम इन द बैक्टीरिया लैक्टोज को प्रोवाइड करा मैंने बताया था जो बैक्टीरिया का फेवरेट फूड है वो क्या है वो ठीक है ग्लूकोज है लैक्टोज नहीं उसको खाना पसंद ठीक है अगर लेकिन फिर भी हम क्या दे रहे हैं लैक्टोज को प्रोवाइड कर रहे हैं लैक्टोज इज प्रोवाइडेड इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ द बैक्टीरिया द लैक्टोज इज ट्रांसपोर्टेड इन टू द सेल्स लैक्टोज क्या होगा और सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होगा ठीक है लैक्टोज क्या होगा वो सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होगा किस के एक्शन से वो परमीज के एक्सम परमीज के एक्शन से ठीक है परमीज उसकी परमिएबिलिटी बना देगा उसकी सेल के अंदर एंट्री करवा देगा रिमेंबर ए वेरी लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द लैक ऑपेरॉन हैज़ टू बी प्रेजेंट इन ऑल सेल इन द सेल ऑल टाइम अदरवाइज लैक्टोज कैन नॉट एंटर द सेल्स ठीक है तो इन्होंने इंपॉर्टेंट चीज़ ये लखी है कि भाई जो लो लेवल एक्सप्रेशन का ठीक है ए वेरी लो लेवल ऑफ लैक ऑपेरॉन हैजी प्रेजेंट इन द सेल ऑल टाइम ठीक है तो कुछ ल, जो लैक ओपेर का जो वो है एक्सप्रेशन होना चाहिए अदरवाइज लैक्टोज की एंट्री सेल के अंदर नहीं हो पाएगी द the तो जो लैक्टोज कर दिया ठीक है लैक्टोज ने क्या करा उसको चालू कर दिया द रिप्रेशर ऑफ द ओपेरॉन इज कॉन्स्टिट्यूटिवली फ्रॉम द आईजीन जो रिप्रेशर ने ओपेर का वो सिंथिसाइज हो रहा है वो आइजीन से सिंथिसाइज हो रहा है ठीक है ये देखो ये आईजीन है जो रिप्रेसर सिंथिसाइज द रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन ऑफ द ओपेर जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो किसके साथ बाइंड कर रही है वो ऑपरेटर रीजन के साथ बाइंड कर रही है रिप्रेसर किसके रिप्रेसर प्रोटीन किसके साथ जुड़ रही है वो ऑपरेटर रीजन के साथ जुड़ रही है एंड प्रिवेंट्स आर एन ए पोलीमराइज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द आर एन ओपेर और वो क्या रोक रही है आर एन ए पोलीमराइज को ट्रांसक्राइब करने से रोक रही है क्लियर इन द प्रेजेंस ऑफ एन इंड्यूसर अब यहां पर इंड्यूसर आ गया इंड्यूसर क्या था लैक्टोज था ठीक है इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर सच लैक्टोज और एलोलैक्टोज लेक्टोज डाइसेक्राइड एलो डिफरेंट फॉर्म ऑफ लैक्टोज ठीक है जो शुगर की भी अलग अलग टाइप्स होती हैं तो उसमें भी एक एलोलेक्टोज हुई है तो क्या लिखा है यहां पर इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर क्टोज और एलोलैक्टोज the रिप्रेसर इज इनएक्टिवेटेड बाई इंट्रेक्शन विद द इंड्यूसर तो क्या लिखा है इन्होंने यहाँ पर जो आपका यहाँ पर जो इंड्यूसर है इंड्यूसर का कौन सा है? यहां पर लैक्टोज है या फिर एलोलैक्टोज है जो रिप्रेसर है द रिप्रेसर इज इनएक्टिवेटेड बाई इंट्रेक्शन विद द इंड्यूसर तो रिप्रेसर क्या हो गया वो इनएक्टिवेट हो गया दिस अलाउज आर एन ए पॉलिमरेज एस एस द प्रोमोटर तो आर एन ने एक्सेस कर दिया प्रोमोटर को और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड हो गया ठीक है एसेंशियली द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कैन बी विजुलाइज एज रेगुलेशन ऑफ द एंजाइम सिंथसाइज बाय द सबस्ट्रेट ठीक है तो ये हमने देखा है ना ये क्वेश्चन है इसमें आप पढ़ो इसको सॉल्व करो रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपिरोन बाई रिप्रेसर इज रेफर टू एज नेगेटिव रेगुलेशन ठीक है जो रेगुलेशन है लैक ऑपिरॉन का रिप्रेसर के द्वारा उसको हम नेगेटिव रेगुलेशन कहते हैं लैक ऑपेरॉन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन एज वेल पॉजिटिव रेगुलेशन भी है बट इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द डिस्कशन एट दिस लेवल ठीक है तो ये बियॉन्ड द स्कोप तो पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये मेन डायग्राम है उसमें ठीक है मेन डायग्राम है लैक ऑपेरॉन का ये स्विच ठीक है हम देख रहे हैं यहाँ पर ये स्विच ऑफ है ये स्विच ऑन है ठीक है तो यहाँ पर ये ये आ, आई जी को बना रिप्रेसर एम आर एन ए को ये रिप्रेसर प्रोटीन या ऑपरेटर के साथ जुड़ गई ऑपरेटर ने इसे सिग्नल दिया इसने फिर इस स्ट्रक्चरल जीन्स को सिग्नल दिया फिर क्या हुआ रिप्रेसर जो होगा रिप्रेसर बाइंड होगा ऑपरेटर के साथ और क्या कर लेगा वो आर एन ए पॉलीमरेज को ट्रांसक्राइब करने से रोक लेगा ठीक है आर एन ए को रोक लेगा फिर जो दूसरी कंडीशन है यहाँ पर जो इन्होंने लिखी है ठीक है दूसरी कंडीशन क्या लिखी है यहाँ पर कि भाई रिप्रेसर जो है ये एम है ठीक है प्रोटीन बना रिप्रेसर प्रोटीन इंड्यूसर आ गया इंड्यूसर है लैक्टोज ऑल्टरनेट फूड है ये इकोलाई का ठीक है ऑल्टरनेट फूड है ये इनएक्टिव होगा अब ये प्रोमो क्या होगा आर एन क्या करेगा वो एक्टिव है यहाँ पर तो ये इससे क्या बनेगा ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा ट्रांसलेशन हो जाएगा ठीक है ये क्या होगा फिर जीन का एक्सप्रेशन हो जाएगा दिस इज ऑल अबाउट योर लैक ऑफ एरोन आई होप नाउ द टॉपिक इज क्लियर फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से फिर भी डिस्कस कर लेंगे बाद में है ना